squats, I think, revolution as far as I'm concerned, और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एक कंपनी के साथ जुड़ना जो जो डेफिनेटली 70,000 ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद लगता है कि पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ फैंटेस्टिक. एक ऐसी हेल्थ जर्नी पे जहाँ लोगों को अपनी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट स्क्वाट्स एम इज. देखिए, मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं हिस्सा हूँ आज स्क्वाट्स का. इस टीम के जैसे एक और मेंबर हूँ, जहाँ हमारी कोशिश डेफिनेटली ये है कि हम बदलाव लेके आएंगे. किसी ब्रांड के साथ नहीं जुड़ता जब तक आई एम वेरी वेरी श्योर. और यहाँ इसीलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आईटी के साथ साथ, प्लेटफॉर्म के साथ साथ, जो नॉलेज बैंक है इनकी, इनके साथ जो ट्रेनर्स और प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है. जैसे सुना मैंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ. यस सर, देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग को ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वी आर ए थ्राइविंग कम्युनिटी. हमको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसको लोग देखें, उससे सीखें और उनके कदमों पे चल सकें. अब सुनील सर की जब बात करते हैं तो सी ही इज़ 58. 58 ईयर्स में लोग सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, एंड ही गोज टू द जिम, वर्क्स आउट एवरी डे, ईट्स राइट. सो इफ़ आई हैव टू टेल माई किड्स, और मुझे अगर अपने बच्चों को बताना है कि कैसा बनना चाहिए, कैसी लाइफ स्टाइल रहनी चाहिए, सो ही इज़ द मैन दे विल हैव टू लुक अप टू. इनफैक्ट इफ़ आई ग्रो अप, यू नो, मुझे भी लगता है कि 20-25 साल बाद, इफ़ आई एम एबल टू, यू नो, लुक लाइक हिम एंड लाइक एज फिट एज हिम, दैट वुड बी लाइक अ बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो वी आर नॉट रियली लुकिंग फॉर अ सेलिब्रिटी एज अ फेस ऑफ द कंपनी. वॉट वी आर लुकिंग फॉर एज अ रोल मॉडल एंड अ मेंटोर. सो ही इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ही इज़ बीन इन टू फिटनेस फॉर सो लॉन्ग, एंड आई थिंक विथ वॉट वी हैव अचीव, विच विथ वॉट ही हैज़ अचीव्ड सो फार, वी बी एबल टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट्स वाई ही वॉज द ऑब्वियस चॉइस. And I think also ke there is a synergy between the way we think as squats and with Sunil sir, and more than that, he really believes in us that it's not just about fitness, but it's a community that we are supporting and building, which is about fitness and changing the world ultimately. So I can't think of anyone better to have on board. Summer, Sunil sir, summer has season chalu hai. Kya advice dena chahenge logo? Ki hydrated rahe log, sahi kapde pehne. और धूप में जब बाहर निकलते तो ऑफ कोर्स सनस्क्रीन, सनब्लॉक, यार अपने आप को जितना हो सके बचा के करे, और जो भी करते सोच समझ के. राइट ईटिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक्स्ट्रा स्पाइसी या एक्स्ट्रा ऑयली खाना मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा. और यस, हाइड्रेटेड अपनों को, अपने बच्चों को, और ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स को, सीनियर मेम्बर्स को घर में हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आहान से मैं सीखता हूँ नई तरीके, नई तौर तरीके फिट रहने का. एक एथलीट है और आई एम हैप्पी दैट ही इज डूइंग वेल इन इन वॉट एवर ही इज. चीट डे पे मैं चीट डे पे कुछ भी खाता हूँ, लेकिन लिमिट में खाता हूँ. मुझे पता है कि क्वांटिटी अगर मैं कंट्रोल करूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. एक्सेसिव कभी नहीं खाता, और अगर मैं संडे को खाना खा लूं या सैटरडे को खा लूं, मैं मंडे को जिम कभी नहीं छोड़ता. दुनिया उल्टी हो जाए, मैं मंडे को जिम ज़रूर करता हूं, क्योंकि मंडे छूट जाए तो वीक छूट जाए. 3 दिन से ऊपर मैं गैप कभी नहीं लेता जिम में, यू नो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई कीप इन माइंड. और 3 से 5 बार हफ्ते में ट्रेनिंग करता ही हूँ, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर मेरे हाई और लोज भी आए, बैलेंस कर जाते, मैं डिट्यूरिएट नहीं होता. डिट्यूरिएशन के बाद ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो आई कीप माई सेल्फ एट वन गो. ऑफ कोर्स कभी कभी मेरे हाईज होते हैं, लेकिन लोज को मैं अवॉइड करता हूँ. काफ़ी बायोपिक बनी रिसेंटली स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर, अगर आहान सर को लेकर किसी बायोपिक बने तो किसकी हो सकती है आपके? स्क्वाट्स की. मैं फिल्मों की बात ही नहीं करने वाला हूँ आपसे, आप सवाल जो भी पूछे. बट देखें, आहान को कौन सी बायोपिक करनी है वो आई थिंक आहान से पूछना पड़ेगा आपको, ना कि मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता. उसके गुरु, उसके मेंटोर, गॉडफादर है साजिद भाई, है मिलन लुथरिया है. आई थिंक ही इज़ गॉट द बेस्ट दैट देयर इज़ इन द इंडस्ट्री. अब बस लेडी लक स्माइल करे, उसे आशीर्वाद दे, तो ही सेट. इलेक्शन में भी आपको देखा गया अभी रिसेंटली, क्या आगे चल के हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं?
पार्टी को ज्वाइन करना तो अब जवानी में ज्वाइन करता, बुढ़ापे में क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ मैं उन पॉलिटिशियंस में से नहीं बनना चाहता जिनके दांत के ठिकाने नहीं, बोलने के ठिकाने नहीं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यू गॉट टू बी यंग, यू गॉट टू बी डायनामिक। बहुत सारे यंग डायनामिक पॉलिटिशियंस हैं, उनका माइंड सेट वैसा है, मेरा माइंड सेट वैसा है नहीं। कोई मेरे बारे में नेगेटिव कहे तो सालों साल मेरे दिमाग में वो रह जाता है कि ऐसे मैंने क्या किया जो उसे दुख पहुँचाया मैंने। तो पॉलिटिशियन बनूँ और चार लोग अगर अपोजिशन वाले ताना मारे तो मुझे पता तो है कि क्यों ताना मारे, लेकिन अच्छा तो ज़रूर नहीं लगता। तो दूर ही रहता हूँ इन चीज़ों से, हेल्दी रहता हूँ। और लोगों को ये एक नया जॉब लिया हुआ है ना, द पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ, तो उसको मैनेज करेंगे। Thanks, guys. Thank you.